हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलकेजी का समर वेकेशन होमवर्क। समर वेकेशन होमवर्क एलकेजी में मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ तीनों सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। इनसे जुड़ी हुई 30 वर्कशीट मैंने इसमें शामिल की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे अंत तक देखें, और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेस द लेटर ए टू जेड, यहाँ पर स्मॉल लेटर बच्चों को सिखा दिया जाता है और उससे रिलेटेड ट्रेसिंग सेक्शन ये बच्चों को दिया जाता है। सी एंड राइट इन स्मॉल अल्फाबेट, यहाँ कैपिटल दिया जाता है और उसको देख करके स्मॉल लेटर लिखना होता है। यहाँ पर कैपिटल ए दिया गया तो यहाँ पर बच्चों को स्मॉल ए लिखना होगा। सर्कल द वॉवेल, यहाँ पर कॉन्सोनेंट वॉवेल मिला हुआ है, जितने भी वॉवेल हैं बच्चा उन सारे वॉवेल्स को सर्कल करेगा। फिल इन द करेक्ट वॉवेल, यहाँ पर बच्चों को वॉवेल फिल करना है। वी ए एन वैन, पी ई एन पेन, एल आई पी लिप, पी ओ टी पॉट, एस यू एन सन। सर्कल ऑड वन, यहाँ पर ऑड वन है एक जिसको सर्कल करना है। ए बी सी डी आना चाहिए, यहाँ पर जी है तो यह ऑड वन है, इसको सर्कल करेगा। फिल इन द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट फ्रूट नेम, फ्रूट नेम जो है बच्चा यहाँ पर कंप्लीट करेगा। ए डबल पी एल ई एप्पल, एम ए एन जी ओ मैंगो, बी ए एन ए एन ए बनाना, पी ई ए आर पियर। राइट द फॉलोइंग पिक्चर नेम, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, बच्चा इनके नेम लिखेगा। आई लिखेगा, नोज लिखेगा, आर्म लिखेगा, लिप लिखेगा, इस तरह से बच्चों को पार्ट ऑफ बॉडी लिखने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है मैच द राइमिंग वर्ड, बच्चों को यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं इनके राइमिंग से मैच करना है। जैसे कैट, कैट को रैट के साथ मैच करेगा। रेड बेड, डिग बिग, बॉक्स फॉक्स, सन बन, इस तरह से बच्चा इस सेक्शन को कंप्लीट करेगा। इसके बाद आता है यूज ऑफ दिस दैट, यहाँ पर नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस यूज़ करेगा और दूर की चीज़ों के लिए दैट यूज़ करेगा। वन पेज राइटिंग, और एक पेज राइटिंग बच्चा प्रतिदिन लिखेगा, डेली लिखेगा। अब देख लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन सी वर्कशीट दी गई है। कठिन वर्णों पर लिखनी चलाएं, हिंदी में जो वर्ड कठिन लगते हैं जो इन पर ट्रेसिंग करता है। पहले तथा बाद में आने वाले वर्णों को लिखें, आफ्टर बिफोर और बिटवीन यहाँ पर दिया गया। स्वर वर्णों को घेरें, यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर दिए गए हैं, बच्चा कितने भी स्वर हैं उन सारे स्वरों को घेरेगा। मिलान करें, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर चित्र है, इनको मिलाना है। जग, जग कौन सा है, बच्चा इसको पहचानेगा, ये जग है तो जग को जग के साथ मैच करेगा, मिलाएगा। उसके बाद नंबर 5 में आता है सही पर सही का निशान लगाएं। राधा माला ताला पहन, राधा क्या पहनेगी, माला पहनेगी कि ताला पहनेगी, माला पहनेगी तो यहाँ पर सही का निशान लगाएगा। राजा खाजा बाजा बजा, क्या खाजा बजाएगा कि बाजा बजाएगा, बाजा बजाएगा तो इस पे बच्चा टिक करेगा। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। ट ब टब, क म ल कमल, एक साथ बच्चा यहाँ पर लिखेगा। नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करें, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और बाद वाला वर्ण दिया हुआ है, पहले वाला वर्ण जिसे कि शुरू होता है यह शब्द, वह वर्ण बच्चों को यहाँ पर लिखना होगा। जैसे नल है तो न, न यहाँ पर लिखना होगा, न ल नल, आय न क आय न क, म ल कमल, ज ग जग, इस तरह से बच्चा इसको पूरा करेगा। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही और दूसरा गलत है, बच्चे को सही ऑप्शन चुनकर यहाँ लिखना होगा। मदन डैश चक, जग चक या फल चक, फल चक तो बच्चा यहाँ पर फल लिखेगा, मदन फल चक, इस तरह से इसको पूरा करेगा। हिंदी में गिनती लिखें, बच्चों को यहाँ पर हिंदी में गिनती लिखने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर है एक, बच्चा लिखेगा ए क एक, द पे ओ की मात्रा दो, द पे बड़ी की मात्रा तीन, नौ तीन, इस तरह से बच्चा इसको कंप्लीट करेगा। चित्र में रंग भरें, और यहाँ पर कोई भी चित्र बच्चे को दिया जाएगा उसे कलर करने के लिए दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका शेप क्या है, साइज क्या है, यह स्वाद में कैसा है, यह सब बातें बच्चों को बताई जाएंगी। अब देख लेते हैं कि एलकेजी के समर वेकेशन के मैथ होमवर्क में क्या क्या जाता है। राइट काउंटिंग नंबर 51 टू 100, काउंटिंग नंबर 51 से 100 तक दिया जाता है। बैकवर्ड काउंटिंग जो है 51 से 1 तक दिया जाता है। व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन, यहाँ बच्चों को दिया जाएगा। मैच द न्यूमरल्स विद देयर नंबर नेम, नेम यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं और उनके नेम यहाँ पर दिए हुए, इन्हें मैच करना है। ये है 21, यहाँ पर बच्चा किससे मैच करेगा, 21 नो 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 यस दिस इज 21, बच्चा इस 21 को इससे मैच करेगा, इस तरह से इस वर्कशीट को पूरी करेगा। रीड द नंबर नेम एंड टिक द करेक्ट न्यूमरल, यहाँ पर नंबर नेम दिया हुआ है उसके करेक्ट न्यूमरल को वो बच्चा यहाँ पर टिक करेगा। 12 है तो यहाँ पे 1 to 12 बच्चा इसे टिक करेगा। ऐड, बच्चे को एलकेजी में बिना बोरो वाला ऐड दिया जाता है, बच्चा उसे कंप्लीट करेगा। और इसी तरह से छोटे छोटे डिजिट का सब्ट्रैक्शन और एडिशन बच्चों को दिया जाता है। कंप्लीट द शेप्स नेम, यहाँ पर शेप्स दिए गए हैं और उनके नेम को मिसिंग लेटर करके दे दिया गया है, यहाँ पर जो मिसिंग लेटर्स हैं बच्चा इनको फिल करेगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बच्चा इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखेगा 9, देन 10, देन 14, देन 24, इस तरह से बच्चा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। मैच द नंबर्स एंड मेक अ पिक्चर, यहाँ पर नंबर्स को मैच करते हुए एक पिक्चर बनाएगा, इसको कलर करेगा। तो ये था एलकेजी का समर वेकेशन का होमवर्क, आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।